तुम्हें कब से फोन लगा रहा हो, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा है, कभी नॉट कवरेज एरिया बता रहा है, जॉन को पकड़ना है। अब फोन का चेक करना है, मैं कमांड दूंगा और तुम लोग फौरन सुन के उसे फॉलो करना। ओके चिंगम सर, थैंक यू। ये वर्ल्ड वॉर टू का वॉकी टॉकी है, पर काम करता है, लेकिन इसमें शायद से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इससे मैं तुम्हें ही कमांड दे सकता हूँ और तुम्हें उस कमांड को पतलू को रिपीट करना होगा। मैं दोनों को एक साथ कमांड नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये पुराना वॉकी टॉकी है। ओके सिंगम सर, जाओ तुम लोग शहर में फैल जाओ और जॉन को ढूंढो। चिंगम सर का वॉकी टॉकी करूंगा जाम, फिर करूंगा अपना काम। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और अब देखो होता है क्या। मैंने चिंगम सर का वॉकी टॉकी जाम कर दिया है। मोटू पतलू को उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी और अब मैं चिंगम की आवाज में कमांड देकर मोटू पतलू को उल्लू बनाऊंगा। वाह बहुत वाह, क्या आइडिया लगाया है। अरे मां, तुम किधर हो? चिंगम सर, मैं बाजार में ही हूँ। अरे मां, जल्दी चाय वाले के दुकान पे जाओ, समोसे खाओ, जश्न मनाओ, पार्टी करो। जॉन पकड़ा गया है और मैंने उसे जेल में भी डाल दिया है, जाओ पार्टी करो। जय हो, पार्टी अभी आते हैं। तुम लोग इधर डांस कर रहे हो और वहां मैं जॉन को ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहा हूँ। छोड़ो मुझे, मुझे डांस नहीं करना। जॉन को पकड़ने की बजाय तुम लोग डांस कर रहे हो। मैं मोटू पतलू कमीन कमीन चिल्ला रहा हूँ और तुमने सुना ही नहीं। अलर्ट रहो, अलर्ट हो और नाच गाना बंद करो। अम्मा, कुछ गड़बड़ हो गई, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। मोटू पतलू कमिंग, मोटू पतलू कमिंग। यस चिंगम सर, मोटू हियर। मोटू पक्की खबर है, आजकल बॉक्सर जॉन के साथ मिल चुका है, दोनों मिलके चोरी करते हैं। बॉक्सर को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, लेकिन समोसे खाकर जाना, नहीं तो बॉक्सर तुम्हें धोड डालेगा। ओके चिंगम सर, एज यू से। अरे अब क्या हो गया भाया? अरे पतलू, जल्दी जल्दी मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। साथ मिलकर करते हो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चिंगम सर ने सब मुझे बता दिया है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अरे आप लोग भी इसे उठाने में मदद करो, बहुत भारी है। ये लीजिए चिंगम सर, जैसे आपने कहा हम बॉक्सर को घसीटते हुए आपके पास लेके आए। मैंने कब बोला? मोटू पतलू ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे इस शहर में रहना है। बॉक्सर भैया, मैंने इनको कुछ भी ऐसा नहीं बोला।
अरे आप नहीं बोला था। सच में चिंगम सर, मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन मोटू ने मुझसे यही कहा था। मेरे भाई मेरी यार, हमें भी मोटू ने यही कहा था कि चिंगम सर ने ऐसा कहा है। अरे मैंने नहीं बोला। ओके ओके, चलो चलो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। थैंक यू बॉक्सर भैया, थैंक यू वेरी मच, आप इतने समझदार हो। लेकिन दोबारा ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कुछ तो करना होगा। अब देखो, एक और ऑर्डर देता हूँ। मोटू सुनो, बॉक्सर वाली गलती को भूल जाओ। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, जॉन के साथ एक और आदमी है जो मेरा मास्क लगाता है और जॉन को चोरी करवा कर बग्गा देता है। लोग कुछ बोलते नहीं क्योंकि उन्हें लगता है इंस्पेक्टर साथ में है। ऐसा क्या? बिल्कुल हाँ, और अब भी वो फूल चौक में है। तुम जाओ और उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ और उसका मास्क भी छीन कर निकाल लेना। He should be on my feet. I am... Okay, चिंगम सर, मैं अभी जाता हूँ। ये तो सचमुच खेज खबर है। हेलो पतलू कमिन। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके यस सर, यस सर, हो जाएगा सर, डन सर, इट्स ओके। चिंगम के हम शक्ल क्या सोच रहे थे कि तुम पकड़े नहीं जाओगे? अरे मैं मोटू पतलू, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अरे तुम्हें क्या हो गया है? इसका मास्क नहीं निकल रहा है। बहुत मजबूत होगा। चलो उसे चिंगम सर के पास ले चलते हैं, वहीं निकालेंगे मास्क। चलो जाओ अंदर। हेरा फेरी, चिंगम सर कहाँ है? देखो हम नकली चिंगम सर को लेकर आए हैं, लेकिन इसका मास्क नहीं निकल रहा है। खींच कर निकालो। रुक जाओ। अब बोलो। अरे ये तो असली है, फिर नकली चिंगम सर कहाँ है? किसने बोला कि नकली चिंगम सर है? मेरी हालत खराब कर दी, मेरी मूंछ को खींचा, मेरे नाक को खींचा। लेकिन वॉकी टॉकी पे आपकी ही आवाज थी, आपने ही मुझे ऑर्डर दिया था। पक्का आपकी ही आवाज थी। इसका मतलब है कि कोई हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, और खिलवाड़ तो हमारे साथ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? जॉन? हाँ, और अब हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। पतलू तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। अरे मैं मोटू, कमीन मोटू, कमीन कमीन कमीना। समोसे खाते जाओ, जॉन तुम्हारे पास आ रहा है, समोसे खाते जाओ। अच्छा, जॉन मेरे पास आ रहा है। ओके सर, ओके। मैं मोटू के पास कहाँ जा रहा हूँ? मैं क्यों जाने लगा उसके पास? मैं तो यहाँ आराम से छुप कर बैठा हूँ। जॉन आ रहा है, खाते जाओ। आ नहीं रहा है, ले आया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ। ये तो चीटिंग है, धोखा है। मैं तो मामूली चोर हूँ, और मुझे मारने के लिए कितने सारे समोसे खाओगे बाबा? बस करो ना। अरे जॉन, तुमने हमें बहुत परेशान किया है, समोसे खाने से फुर्ती आ गई है, और अब तुमसे कुछ हिसाब चुकाना है। क्या?
क्रेज इन्वेंट की है जिसे मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूँ, जिससे तुम बनोगे एक जीनी। अब तुम जिसको चाहो डरा सकते हो। चलो तो फिर लाओ 10 करोड़ रुपए। अभी लो वायरस आका। जॉन, तुम नहीं सुधरोगे। जॉन बनेगा जॉन, जॉन बनेगा जॉन। अब जिन बन के कुछ भी करूंगा, मुझे रोकेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो और मेरे साथ चलो। आप लोगों ने मुझे इस बोतल से आजाद किया है, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। डरो मत, डरो मत। ये बताओ ये जगह कौन सी है? ये मॉडर्न सिटी है। अरे मॉडर्न सिटी, यहाँ तो मेरा ग्रैंड सन रहता है, उसका नाम जॉन है। हा, हा, हा। हम जॉन को जानते हैं, हम लोग मोटू पतलू हैं। क्या तुम लोग मोटू पतलू हो? तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडसन को बहुत परेशान किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रुको, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी नई मोटरसाइकिल को तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, हमने कुछ नहीं किया है। जॉन के ग्रैंडफादर हमें दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे जॉन को बहुत परेशान किया है। जॉन के ग्रैंडफादर? हाँ चिंगम सर, वो एक बोतल के अंदर से जिन बनकर बाहर निकले हैं। क्या ये हो सकता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अयो माँ, ये तो सही बोल रहे हैं रे। मोटू पतलू, भाग दो। बचाओ, बचाओ। मोटू पतलू, मैं तुम दोनों को अब नहीं छोड़ूंगा। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। अब हम जॉन को कभी भी चोरी करने से नहीं रोकेंगे। वो जितनी चाहे उतनी चोरी करे, हम नहीं रोकेंगे। क्या बात कर रहे हो? जॉन चोरी करता है कि तुम चोरी करते हो? अरे भैया, जॉन चोरी करता है, जॉन। पर मुझे तो किसी ने कहा कि जॉन अच्छा आदमी है और तुम लोग चोरी करते हो। नहीं नहीं नहीं, जॉन चोरी करता है और हम उसे पकड़ते हैं। ओहो, फिर तो ये गलती हो गई। उसकी दादी बोलती थी कि उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, उसे रुपयों का लालच है। तुम लोग एक काम करो, एक बड़े बॉक्स में खूब सारी ज्वेलरी पैसे लाकर उसके सामने रखो। जॉन जैसे ही रुपए पैसे ज्वेलरी को देखेगा, उसकी रोशनी उसकी आंखों में पड़ेगी तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। क्या
क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे जॉन ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, वो रुपए ज्वेलरी उन लोगों को ले जाकर वापस कर देना। थैंक यू ग्रैंडफादर, थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जॉन को सुधारने का एक तरीका है, आप लोग अपनी अपनी ज्वेलरी निकाल कर इस बैग में डाल दीजिए, उसमें अपने नाम का टैक्स लगा दीजिएगा, पुलिस स्टेशन में आपकी ज्वेलरी आपको वापस मिल जाएगी। डालो डालो बेटा, खूब ज्वेलरी डालो। जॉन का तूफानी आइडिया बड़ा काम का है। बॉस बॉस, कहीं इस तूफानी आइडिया में खुद ही नहीं उड़ जाना। क्या बोला तुमने? बॉक्स को बंद करो और जॉन को यहीं बुला कर लाओ। यस सर, यस सर। किंगडम सर, आपने मुझे क्यों बुलवाया है? तुम्हें एक चीज दिखानी है। आज के बाद तुम चोरी करना बंद कर दोगे। देखो क्या चीज है। क्या है? क्या है इसमें? बाबा, मैं कौन हूँ? तुम्हें याद नहीं, तुम जॉन हो, चोर जॉन। हाँ, मैं जॉन हूँ, लेकिन पता नहीं चोर क्या हूँ, मुझे याद नहीं मैं करता क्या हूँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो, जैसे ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तुम नौकरी करने लगोगे। मैं कहाँ रहता हूँ? मेरा एड्रेस क्या है? बॉस बॉस, आप हमें पहचानते हैं या नहीं पहचानते? ये तो चंगु मंगो कौन है? ये दोनों बहुत ही शरारती लोग हैं, इनसे दूर रहना। ठीक है, इन्हें जेल में ले जाओ, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। बॉस बॉस, आपको क्या हो गया? क्या कर दिया इन लोगों ने? हम जा रहे हैं बॉस। तुम अभी एक वैन में रहते हो, जैसे ही तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम्हें किराए का मकान दिला दिया जाएगा। क्या हुआ मोटू? पतलू बॉक्स खाली है, अंदर में कुछ भी नहीं है, पब्लिक तो कुदा कुदा के मारेगी रे। ज्वेलरी वापस करो। अरे आप जॉन ठीक हो गया है, हमें ज्वेलरी वापस करो। देखो तो आया मां, अब क्या करूं? ज्वेलरी वापस करो। रुकिए, हमें टाइम दीजिए, आपकी ज्वेलरी कल सुबह आपको मिलेगी, पहले पहचानना होगा, रात भर हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद ही आपको देंगे। हमें बेवकूफ बना के सब लूट लिया, आओ हमारे साथ, अगर आपका पैसा ना मिले तो जो सजा चाहिए वो दे देना। और ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं। मोटू पतलू को क्या उल्लू बनाया, दिन बन के उनको दिन में तारे दिखाया। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, नंबर वन अब साइड हो जाओ और जॉन की पिटाई देखो। मेरी पिटाई? मैंने क्या किया है? अभी चिंगम सर को फोन करता हूँ। अरे माँ, फोन की कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक को जो करना है कर लो, चिंगम आ जा, ऑफ ड्यूटी है। प्लीज मुझे बचाओ। मेरा सोना नहीं है, मेरी अंगूठी नहीं है, मारो। भाई लोगों, घेरा बना लो, अब मैं बाकी सोना चांदी निकलवाता हूँ। नहीं,
निकाले सोना। आज मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। नंबर नंबर टू जाओ, बाकी जितना सोना है सब ले आओ। भाइयो सुनो, अपना जितना रुपया पैसा सोना है सब ले लो। अरे मेरी पर्सनल कमाई को तो छोड़ दो। नंबर 1, ये क्या कर रहे हो? बॉस बॉस, सब मिक्स कर दिया था, अब पता नहीं आपका पर्सनल कौन सा है और इनका कौन सा। अरे चोरी के माल को पर्सनल कह रहे हो? भाइयो इससे और कुटाई की जरूरत है। मारो मारो मारो। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।